हेलो का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन के रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए स्पेशल इस बार भगवान के लिए बहुत ही प्रेम से प्रेम मिठाई बनाएंगे और ये भी प्रेम कटोरी रस भरी मावा से मिश्री से माखन से भरी हुई इस मिठाई को हम लोग बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस मिठाई को हम लोग कान्हा के लिए अपने इस जन्माष्टमी कैसे बनाएंगे। हम लोग इस जन्माष्टमी बनाने जा रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए जन्माष्टमी स्पेशल प्रेम कटोरी मिठाई और ये कान्हा को बहुत भाएगी क्योंकि इसमें जो जो कृष्ण भगवान को अन्न हम लोग भोग में लगाते हैं वो सारे अन्न का ही हम लोग ये मिला करके बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो मैं आटा ली हूँ वो आटा हमारे किन किन चीज का है बता देती हूँ। यहाँ पे हमने मैदा लिया है, ये मैं 4 चम्मच ली हूँ। चना दाल से पिसा हुआ बेसन ली हूँ, ये भी 4 चम्मच है। गेहूं का आटा दोस्तों 4 चम्मच ली हूँ। यहाँ पे चावल का आटा 2 चम्मच, सिंघाड़े का आटा 2 चम्मच। अब इस 5 प्रकार के आटे से हमें बनाना है भगवान के लिए प्रेम कटोरी मिठाई। दोस्तों, अब इन सारे आटे को हम एक में मिलाएंगे और भगवान को इन सारे जो अनाज हैं उस अनाज को भोग के तौर पर लगाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भगवान के लिए अपना यही प्रसाद से एक मिठाई तैयार करें, सारे अन्न को एक मिठाई मिलाए। तो यहाँ पे हमने सारे आटे को मिला लिया है। अब इसमें दोस्तों हमें देना है मैन, तो यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। देसी घी को आप 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए और अब इसको बढ़िया से हम मैन दे लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे आटे को मिला करके मैन दे लिया है और इस जन्माष्टमी आप प्रेम से भरी हुई प्रेम कटोरी भक्ति भाव से भरी हुई ये जरूर बनाइएगा। अब इसको दोस्तों हमें गूथ लेना है, तो बहुत ही सूखा डो मतलब टाइट हमको लगाना है इसका। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके और इसका डो लगाएंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसका टाइट डो लगाना है जिससे कि हम जो अपनी कटोरी को बनाए वो कटोरी हमारी बहुत ही आराम से बन जाए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया सा एक टाइट डो हमने लगा लिया है और इसको बहुत ज्यादा मसाला नहीं है और देख सकते हैं कि मैन भी बहुत अच्छा इसमें पड़ा है। तो अब इसको हमें करना क्या है कि छोटी छोटी इसकी हम लोग लोइया काट लेंगे अपनी इस कटोरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोइया काट ली है और आप जैसा कटोरी बनाएंगे बन जाएगी, बिल्कुल खराब आपकी नहीं होगी और ना फटेगी ना टूटेगी, खस्ता कटोरी बनके तैयार। हमने लोइया काट ली है, अब इसको करना क्या है, आप इसको हाथ पर लीजिए, ऐसे गोल गोल राउंड करिए, बिल्कुल गोल गोल घुमाइए ताकि इसमें परत पड़ जाती है। ऐसे गोल घुमाया, देखिए ये जैसे बालूशाही का परत पड़ता है ना, देख लीजिए ऐसे पड़ा है। अब इसको करना क्या है, बस आप हाथ में उठाते चलिए और इसको गोल 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 ऐसे हमें घुमाते रहना है। ये खुद बनेगी, खूब पतली सी कटोरी बनेगी और बहुत ही फटेगी बिल्कुल नहीं। आप पहले एक हाथ से ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए बस ये करना है। बस आप थोड़ी सी इसमें सावधानी क्या करनी है दोस्तों, अरे कान्हा के लिए जन्माष्टमी प्रेम कटोरी बननी है तो प्रेम भाव से बने हुए कटोरी कान्हा हम लोग की जरूर स्वीकार करेंगे। और बिल्कुल न्यू रेसिपी है, अलग प्रसाद बना रहे हैं। तो देखिए अब इसको जितना आप पतला कर सके, ये फटेगी नहीं टूटेगी नहीं, बिल्कुल टाइट बनेगी। देखिए अब ये तो हमारी आप देख सकते हैं गोल हो गई है ना, थोड़ा भी ये आपको मोटा दिख रहा है, इसको और घुमाएंगे हम ऐसे ही पतले उंगलियों के सारे ऐसे ही। देख सकते हैं कि हमारी कटोरी बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। और इस कटोरी को थोड़ा सा हमें क्या करना है ना, हाथ पर लेकर के और ऐसे फॉक से अगर इसको छेद हम लोग कर देते हैं तो ये बीच में से फूलेगी नहीं, वैसे भी ये कटोरी फूलती नहीं है। देखिए ऐसे बस छेद करना है। अब इसको रखे कैसे, ताकि अब तो एक एक बना के हम लोग इसको तलेंगे नहीं, इस कटोरी को हम यूं लिया और ऐसे लिए और ऐसे, देखिए इस कटोरी को आप ऐसे रख दीजिए। आप घंटों भी रखेंगे तो ये हवा से भी सूखी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बना बना के हम पूरे लोइये से ऐसे ही कटोरी बना करके और उलट करके रख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे प्रेम कटोरी बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसको हमें तलना है, तो दूसरे साइड हम घी अपना चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमने गोल मतलब गहरा बर्तन लिया है, कटोरा स्टील का हमने लिया है आप, और ये मोटा बर्तन है तो इसमें हमने डाला है क्योंकि गहरा रहेगा तभी ये अच्छे से तलेगी हमारी जो हमने मिठाई बनानी है भगवान के लिए। तो अब इसमें घी डाल दिया, घी गर्म हो रहा है और बिल्कुल मीडियम आंच पे ही हमें इसे तलकर तैयार करना है। हमारा घी गर्म है और पहले तेज गर्म कर लें, फिर गैस का जो कि आंच है बिल्कुल
मीडियम कर ले। अब इसको हम लोग डायरेक्ट वैसे तो डालेंगे नहीं, आप इसको किसी चम्मच पे या ऐसे रख ले, और ऐसे लेने के बाद आप इसको ऐसे डाल दें। ऐसे डालने पर ये धीरे 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 हमारा जब हो जाएगा तो आप इसको कांटे के सहारे से ऐसे धीरे धीरे इसको हटा दीजिए। अगर डायरेक्ट आप डालते हैं अपनी कटोरी को ना, तो क्या होगा, कटोरी जो हमारी है वो अंदर तक उसमें ये हो जाएगा। ऐसे ही हमें धीरे धीरे कईयों को डाल देना। हमने डाल दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, एकदम मतलब धीमी कर दिया है। अब इसको उलट पलट के इसके अंदर घी जाए, ताकि ये अंदर तक ये जो हमारी कटोरी है वो अच्छे से तल के तैयार हो। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और बिस्कुट एकदम कुरकुरा बनेगी, क्योंकि ये जो बन रही है चार पांच आटे से मिला करके, तो ये इसका स्वाद ही बहुत बढ़िया आता है। और वैसे भी भगवान से, भगवान के प्रसाद के लिए जो भी बनता है बहुत सुंदर बनता है। तो बस इसको उलट पलट के और तेज आंच के बाद जब आप डालें तो इस गैस का जो आंच है वो बिल्कुल लो कर दे, एकदम कम कर दे, और धीमी धीमी आंच में इसको बनने। देख सकते हैं कि हमारी जो कटोरियां हैं वो बहुत अंदर से सुंदर सिक गई हैं, देख सकते हैं ना। और अब इसको हमें निकाल लेना है, तो इसका जो घी है उसको ऐसे हम लोग करेंगे, कांटा चम्मच से आप ले लीजिए और उसको पलट दीजिए, ताकि जो अतिरिक्त इसका घी है वो हमारे बर्तन में ही निकल जाए, क्योंकि अंदर इसके गहरापन है, अगर ये नहीं निकलेगा घी तो हमारे बर्तन में चला जाएगा। तो बस ऐसे कर दिए और अब इसको हम लोग पलटी कर देते हैं, और देखिए कितनी सुंदर हमारी ये सब कटोरियां बनके तैयार हुई हैं और क्रिस्पी स्टार। और अब इसको हम लोग, और ऐसे जो बची हुई कटोरी है ना, हमें ऐसे ही तल के तैयार करनी है, बिल्कुल ऐसी गोल गोल कटोरी। और इसी में अपने कान्हा के लिए हम सारे पकवान को तैयार करके, जो मावा मिश्री और मेवा से तैयार करेंगे, तो इसी में हम जो हमारी कटोरी है उसको दोस्तों हमें ऐसे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कान्हा वाली प्रेम कटोरी बनके रेडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम लोग को भरना है खोया और मिश्री का, जो कि हम लोग मिश्री पीस कर तैयार करेंगे मिठास के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने गाय के जो दूध का, मेरे पास अभी आधा लीटर दूध था, उसी से मैंने ये मावा तैयार किया है। और जो आप प्रसाद बनाएं, पूरी कोशिश करें कि गाय के घी और गाय के दूध से ही बनाएं। तो और इसमें हम लोग पिसी हुई मिश्री डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मिश्री को पीस लिया है और इस मावे के अंदर हम लोग मिला रहे हैं, क्योंकि कान्हा को हमारे मावा मिश्री और मेवा बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमने आज बिल्कुल अलग और कुछ हटके प्रसाद बनाया है इस जन्माष्टमी के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच पिसी हुई मिश्री डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेवा डालें। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं, किशमिश, छुहारा, और यहाँ पे पिस्ता है, नारियल, इसमें इसी में डाल दें। यहाँ पे मावा मिश्री और मेवा से भरे हुए, ये तो हमारा मावा तैयार, हमारी कटोरी और इसका भरावल जो मावा मिश्री और मेवा था वो भी रेडी है। अब बनाते हैं दोस्तों चाशनी, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी में अगर इसको हम लोग एक मिनट नहीं किया, सिर्फ चाशनी में डालेंगे और निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने चीनी लिया है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, जितना आपका प्रसाद बना हो उतना ही चीनी लीजिए। तो यहाँ पे 100-150 ग्राम हम चीनी ले रहे हैं और इसी का हम चाशनी बना देते हैं। और दोस्तों अब इसमें पानी थोड़ा सा हम डालेंगे, छोटी वाली चाय वाली गिलास है ना, इससे हम आधी गिलास से कम ही पानी डाल रहे हैं। और अब इसका हम लोग गाढ़ी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चाशनी चढ़ा दी है और अब चाशनी को थोड़ा सा चीनी को गल लेते हैं। देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि पानी हमने कम डाला था, सिर्फ चीनी गल गई है। और ये चाशनी बहुत ही गाढ़ी और चिपचिपी है, जैसे शहद की तरह होती है। और बस इसको हाथ पर लीजिए, ऐसे करिए, ये शहद की तरह चमक रही है, देखिए चम्मच में भी आपको चाशनी दिख रही है मोटी लेयर की तरह, बस ऐसा ही चाहिए। और देखिए बंद कर देते हैं, यहाँ गर्मा गर्म जो हमारी गाढ़ी चाशनी है उसी में इस पूरे कटोरी को हम लोग डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको आप अच्छे से ऊपर नीचे चला दीजिए, ज्यादा इसमें नहीं हमें चाशनी के को, इसमें सिर्फ एक ऊपर से भी इसके अंदर मिठास आ जाए। और वैसे तो हमारा जो माखन मिश्री वाला और मावा का भरा हुआ है वो तो रहेगा ही, बस इसके अंदर चारों तरफ से इसको घुमा के ऊपर नीचे चाशनी में कर दे। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाशनी बिल्कुल ऊपर तक मोटी लेयर की तरह इस पे देख सकते हैं, जो चाशनी लगी हुई है कटोरी में उसको हम लोग हल्का सा गिरा दीजिए, चाहे उसी में रहने दीजिए, और इसको हम लोग सारे को निकाल, अपनी कटोरी ले लेंगे और इस कटोरी में हम मावा मिश्री माखन सब कान्हा के लिए भर देंगे। और हमारे कान्हा
जन्माष्टमी के दिन इसका भोग लगाएंगे। तो दोस्तों बस अभी देखिए, अब इसके ऊपर आप जो इसको डेकोरेशन में करना चाहे ड्राई फ्रूट्स और भी लगा सकते, जैसे मैं इसको पिस्ता से गार्निश करूंगी। अब बस इस कान्हा की हमारी कटोरी, प्रेम कटोरी, बिल्कुल रस भरी, कान्हा के लिए 5 अन्न और 5 मावा मिश्री और ड्राई फ्रूट से भरी हुई कान्हा की हमारी कटोरी बिल्कुल रेडी है। देखो प्रेम कटोरी को ऐसे हम लोग सारे को भर, यहाँ पे हमारी कान्हा के लिए जन्माष्टमी स्पेशल प्रेम कटोरी मिठाई बनके रेडी है। आप लोग जरूर बनेगा, हमें कमेंट करके जो बताएगा कि हमने जो बताया आप लोग को इस मिठाई को बनाना, आप लोग कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।